नमस्कार साथियों, आज हम देखते हैं प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज डिज़ाइन करना। अधिकतर कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है कि हम जब कोई प्रोजेक्ट असाइन करते हैं तो उस डेटा के अंदर कंटेंट हम टाइप कर लेते हैं। इसके बाद फ्रंट पेज जो होता है वो डिजाइनिंग स्टाइल का होना चाहिए। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट को भी समस्या आती है कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट असाइन किया है तो वो फ्रंट पेज मेंशन करना चाहते हैं, और जब मेंशन करते हैं तो डिजाइनिंग लेआउट में थोड़ी परेशानी आती है। तो हम देखते हैं इजी वे में किस प्रकार से हम एक फ्रंट पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब फ्रंट पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो मेन चीज़ है कि उसकी बॉर्डर का अलाइनमेंट यहाँ पर सेट कर। चलिए, तो इसके लिए हम पेज लेआउट ऑप्शन को क्लिक करते हैं, और पेज लेआउट के अंतर्गत यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में हम यहाँ पर जाते हैं और ये पेज बॉर्डर है, हमने इसको पहले अपने वीडियो में समझा भी था। तो हम पेज बॉर्डर से कोई भी बॉर्डर, जैसे बॉक्स या शेडो बॉर्डर इसका ले लेते हैं। उसका स्टाइल जो भी आप लेना चाहते हैं, अब डिफरेंट डिफरेंट व्यू में यहाँ पर स्टाइल्स हैं। यदि आप कोई डिज़ाइन लेआउट स्टाइल प्रीडिफाइंड लेना चाहते हैं और स्टाइलिश लेना चाहते हैं तो वो भी बॉर्डर से यहाँ पर हैं। तो उनमें से कोई भी बॉर्डर का लेआउट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद विड्थ भी मेंशन करना होता है। तो आपके प्रोजेक्ट में आपको इंट्रैक्शन दिए होते हैं तो वो आप लागू करना चाहते हैं, तो ये ऑल डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ ऑप्शन में जाइए और कितना पीटी आपको टॉप बॉटम में मार्जिन स्पेस सेट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस प्रकार से मार्जिन यहाँ से सेट कर पाएंगे। इसके बाद ओके करिए और ओके को क्लिक करिए, तो ये बॉर्डर आपके फ्रंट पेज पर आ जाएगी। फ्रंट पेज का बॉर्डर आने के बाद अगला जो ऑप्शन रहता है वो होता है आपको किस से रिलेटेड प्रोजेक्ट आपका है और क्या असाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप इंसर्ट पे जाइए और वर्ड आर्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो राउंडेड है वो आप यहाँ पर स्टाइल ले सकते हैं, जैसे हम वही लेते हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। लिया गया। अब इसको राउंडेड करने के लिए, शेप देने के लिए आपको वार्पिंग में जाना होगा। यहाँ से या तो आप नॉर्मल स्टाइल में ले इस प्रकार से ले सकते हैं, लेकिन इसको मेंशन करने में, जैसे मैं यहाँ से इसको उठा कर थोड़ा सा नीचे रखना चाह रहा हूँ, मेंशन करना चाह रहा हूँ, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है कि हम इसको मेंशन नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर ये इनलाइन टेक्स्ट है, इनलाइन टेक्स्ट यानी लाइन के साथ में ये मूव होगा, तो इस प्रकार से आप सेट कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि हम अपनी हिसाब से थोड़ा सा इसको मैनेज करना चाहते हैं तो आप इसके वार्पिंग में जाइए, डबल क्लिक करिए और यहाँ पर टेक्स्ट वार्पिंग में इसको इन फ्रंट या बिहाइंड कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि इसको जहाँ चाहे जैसे चाहे मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा कॉलेज का नाम हो गया। इसके बाद अगला जो डेटा कंटेंट होता है वो नेम ऑफ स्टूडेंट या प्रोजेक्ट फिल करने वाला, जिस भी कंपनी का हम प्रोजेक्ट या स्कूल कॉलेज का प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं। ये हमने कॉलेज का नाम यहाँ पे लिया है तो हम नेम ऑफ स्टूडेंट के आधार पर यह बनाते हैं। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट। इसके बाद कुछ डॉट लाइन्स यहाँ पे, यदि आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट में प्रिंटेड हम फिल करना चाहते हैं अपना नाम, तो यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं। ये आप ऐसे कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करें, थोड़ा सा आप इसको बोल्ड कर दीजिए। और यदि कलर प्रिंटर निकालना चाहते हैं, आपके पास कलर प्रिंटर है या जहाँ से आप निकालना चाह रहे हो कलर प्रिंटर है, तो फिर आप इसको कलर में भी ले सकते हैं। इसको हम थोड़ा सेंटर कर देते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है क्लास। किस कक्षा का आपने मेंशन किया है वो आप मेंशन कर दीजिए। कौन सा सेम आपका है या ईयर है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ये हमने मेंशन किया हुआ है। और स्पेस प्रॉपर लेकर के चलिए, जितना फर्स्ट लाइन में है उतना आप सेकंड लाइन में दीजिए। और प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है तो यहाँ पर हम असाइन कर देते हैं प्रोजेक्ट
टाइटल, और टाइटल का टी कैपिटल में हम रखेंगे, ये हमने सेंड किया है। जो भी आपका प्रोजेक्ट का टाइटल हो वो आप यहाँ पे मेंशन करिए। इसके बाद सबमिट बाय और सबमिट टू वो भी हमें लिखना होगा। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट का टाइटल यदि डिज़ाइनिंग स्टाइल में लाना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा बेटर होगा कि आप एक इंसर्ट से कोई भी शेप आप यहाँ से ले लीजिए। जैसे हम एक ऑटो शेप यहाँ पर लेते हैं, ये ऑटो शेप हम इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें आप प्रोजेक्ट टाइटल सेट करिए, और यदि कलर है तो फिर आप इसका कलर मेंशन अवश्य कर लें। ये हो गया, हम डेटा को इसके अंदर डाल देते हैं। हम डेटा कट करते हैं यहाँ से और राइट क्लिक कर एड टेक्स्ट में जा करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। इसका कलर हम फ़ॉन्ट कलर है तो हम वाइट इसको सेट करेंगे। मैं फ़ॉन्ट कलर यहाँ पर वाइट ले लेता हूँ, और बैकग्राउंड कलर जो शेप हमने लिया है इसका हम कलर कोई भी डार्क कलर ये हम यहाँ पर दे देते हैं। और भी थोड़ा सा हमें सेट करना है तो हम कलर में चले जाते हैं, मोर कलर ऑप्शन से यहाँ पर है, स्टैंडर्ड कलर हम मेंशन करते हैं, ओके करते हैं। ये इसके बाद इसका जो बॉर्डर है वो हम यहाँ पर नो आउटलाइन रख लेते हैं। ये देखिए जो कंटेंट हमने लिखा है, कॉलेज का नाम जिसमें लिखा है, इसको भी हम कलरफुल सेट करते हैं। यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का भी यूज़ आप कर सकते हैं, कोई भी स्मार्ट आर्ट भी इसमें ले सकते हैं। अभी हम स्मार्ट आर्ट यहाँ पर स्किप करते हैं, और जो वर्ड आर्ट है इसके माध्यम से इसका कोई भी कलर हम यहाँ पर सेट करते हैं। देखिए ज़्यादा बेटर है, और इसमें भी 3D इफेक्ट आप डाल सकते हैं यदि कलर आपका है। लेकिन ध्यान रहे कि इतना भी डिज़ाइनिंग उसको ना दें, इतना सेट ना करें कि प्रोजेक्ट का लेआउट आपको चेंज है। देखिए इसके बाद हम इस डेटा को भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। चलिए तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फ्रंट पेज तैयार है लगभग लगभग हमारा। हम व्यू में जा करके इसका जो जूम इन है वो हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर व्यू में दिखाई दे। देखिए इसके बाद हमें प्रोजेक्ट सबमिट टू और सबमिट बाई यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो एक तरफ सबमिट टू और दूसरी तरफ आप सबमिट बाय मेंशन कर लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। और भी आप लोगो वगैरह यदि कॉलेज का लगाना चाहते हैं तो उसे आप स्कैन कर लीजिए या डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा डिजाइनिंग आपको नहीं देना है, ज़्यादा मेंशन भी नहीं करना है। फ्रंट पेज जो है कि स्पष्ट होना चाहिए, ज़्यादा डिजाइनिंग उस पर नहीं होना चाहिए ताकि हमें उसका लेआउट सीधा सीधा समझ में आए। डिजाइनिंग जो नेम है, कॉलेज नेम है, डिजाइनिंग स्टाइल है इसका, आप जैसा चाहें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी इस प्रकार का कि व्यू उसका प्रॉपर बने वो आप यहाँ पर मेंशन करिए। दूसरा बॉर्डर का लेआउट भी आपको पूरा मेंशन करना है, ज़्यादा डार्कनेस वाली जो बॉर्डर वो भी आपको सेट नहीं करना है। हम थोड़ा डेटा बढ़ा देते हैं, और जब डेटा बढ़ाते हैं तो ये कंटेन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आप उनको प्रॉपर मैनेज कीजिए, कोशिश करें कि जो डेटा जहाँ सेंटर में ज़्यादा बेटर लगता है तो उसे वहाँ सेट कीजिए। तो इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी प्रोजेक्ट का जो है कि फ्रंट पेज डिजाइन कर सकते हैं। साथियों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।